सो गाइज, आईपीएल 2021 के फेज टू के रिमेनिंग मैचेस में हमें पहला मैच एमआई और सीएसके के बीच देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर हम बात कर ले दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में, तो बहुत सारे अपडेट सामने निकल के आए जो कि आपको जानने की ज़रूरत है मैच से पहले, जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात कर ले एमआई के स्क्वाड के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्लेइंग 11 हमें देखने को मिलने वाली है उसमें कोई भी इंजरीज या कोई भी तरह की बात नहीं है। अगर हम बात करें सीएसके के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही सीएसके के लिए, जस्ट बिकॉज सैम करन पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है और फैव ड्यूप्लेसिस भी गाइस बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, जस्ट बिकॉज जो ग्रोइन इंजरी उन्हें हुई थी सीपीएल के दौरान। अब अगर हम बात करें सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में, तो अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सो गाइस, ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, मोइन अली, अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, इमरान ताहिर, लुंगी लिंगड़ी, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सैम करन और दोस्तों फैव ड्यूप्लेसिस का नाम देखने को नहीं मिल रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। अब दोस्तों अगर हम बात कर ले एमआई की प्लेइंग 11 के बारे में, तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, कुणाल पंड्या, राहुल चार, कैरन पोलार्ड, एडम मिलने, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट का नाम यहाँ पे आता है। अब गाइस, एमआई की टीम में अगर आप देखो तो सारे प्लेयर्स अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। एक बस चेंज हमें देखने को मिल सकता है, एडम मिलने की जगह दोस्तों में जिमी निशम देखने को मिल सकते हैं, बट गाइस एडम मिलने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन डालते हैं एमआई की टीम को। अगर हम हेड टू हेड स्कोर के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे 31 मैच खेले गए जिसमें सीएसके ने 12 और एमआई ने 19 मैच जीते हैं, तो कहीं ना कहीं एमआई का पल्ला भारी है। और दोस्तों अगर हम बात कर ले कि कौन सी टीम हमें ये मैच जीतती नज़र आ सकती है, तो दोस्तों सिंपल सा कारण है कि जैसे हमें पता है कि सीएसके के सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में एमआई की टीम जो है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और ये बोलना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि हमें एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है बिटवीन एमआई एंड सीएसके, जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला है।